मेट्रो समाचार की पहली वर्षगांठ के मौके पर कार्यालय में धूमधाम से काटा गया केक। इस मौके पर मेट्रो समाचार परिवार के सभी सदस्य रहे मौजूद। बिचौलियों के कारण सब्जियां हुई इस बार महंगी। खुदरा बाजार में दाम पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं, इसलिए काट रहे चांदी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी, जांच में अब 10% ही कम पॉजिटिव। एसटी महामंडल करा रहा है सर्वे, छोटे छोटे गांव तक पहुंचेगी बसें। लाइन चेकिंग टीम गांव में जाकर समझेगी लोगों की जरूरतें। दुर्गा पूजा के पहले ही दिन बांग्लादेश में मचेगी नागपुरी संतरे की धूम। 19 की जगह अब 20 को निकलेगी संतरों से भरी किसान रैल और 23 को पहुंचेगी। कार बांध में डूबी, 2 मृत 3 घायल, मृतकों में महिला प्राध्यापक और एक युवक शामिल। क्रिकेट सट्टा अड्डे पर छापा, 3 रुकी गिरफ्तार, 1,00,000 रुपए का माल बरामद। बाला अभिनेकर हत्याकांड मामले में सबूत जुटाने के लिए साइबर सेल से मदद ले रही है पुलिस। न्यायालय ने तीसरी बार आरोपियों को भेजा पुलिस रिमांड पर। मेट्रो के 4 नए स्टेशन यात्रियों के लिए तैयार। नागपुर महामेट्रो ने 4 स्टेशन तैयार किए हैं, जिनमें राहटे कॉलोनी, अजनी चौक, बंसीनगर, एलईडी चौक शामिल। सीआरएसएस ने इसे सुरक्षा प्रमाण पत्र दिया, इसलिए ये स्टेशन यात्रियों के लिए है तैयार। 900 करोड़ मनपा की तिजोरी में, फिर भी विकास कार्य है ठप। पैसा नहीं होने से शहर में सीमेंट रोड, चैम्बर सहित अनेक काम हुए बंद। मुख्य लेखा व वित्त अधिकारियों के रवैये से ठेकेदार में रोष।